हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई फिल्म आरआरआर के बारे में। तो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आरआरआर की रिलीज डेट को लेकर। तो गाइस, उससे पहले भाई, इंडियन सिनेमा में ना तीन मूवीज की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। पहली तो है दोस्तों पुष्पा, उसके बाद दोस्तों है KGF 2 और उसके बाद है दोस्तों RRR। अब दोस्तों इस फिल्म में साउथ के दो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, रामचरण और NTR, और आलिया भट्ट और अजय देवगन भी है छोटे मोटे रोल में ही है मेरे ख्याल से। वो उनको शायद इसलिए लिया गया है ताकि पूरे इंडिया में रेलिवेंट रहे ये फिल्म। मतलब अजय देवगन और आलिया भट्ट को ज़्यादा लोग जानते होंगे मे भी जो नॉर्थ इंडिया में है। तो गाइस, बात करते हैं भाई इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर। तो आपको पता है कि पहले ये मूवी बहुत पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर पोस्टपोन हो गई, जैसे कि बाकी सारी मूवीज भी हुई। तो अब दोस्तों ये जो मूवी है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है। वैसे तो आपको पता होगा कि SS राजामौली जो है, मतलब उनकी फिल्मों का लेवल क्या होता है। मतलब कोई भी उन एक्टर ना, मतलब उसका ड्रीम होगा एक्टर का उनकी फिल्म में काम करना बाहुबली के बाद से। तो गाइस, ये वाली जो फिल्म है इसमें इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या करी है। वैसे तो इस फिल्म का 350 करोड़ रुपए का बजट है, मे भी ज्यादा हो गया होगा क्योंकि पोस्टपोन हो जा रही है। तो गाइस, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये करी है कि 18 मार्च 2022 की इसकी रिलीज डेट रखी गई है। लेकिन दोस्तों, अगर मान लो कि सिनेमा घर नहीं खुलते पूरे, तो उन्होंने दूसरी जो डेट है वो भी फिक्स कर दिया, और वो है 28 अप्रैल। यानी कि 18 मार्च को अगर रिलीज नहीं हुई तो 28 अप्रैल को होगी, और अगर माहौल ठीक रहता है ये जो लॉकडाउन वगैरह का, तब तो 18 मार्च को ही हो जाएगी। लेकिन अगर स्थिति काबू में नहीं रहती और बहुत ज़्यादा थिएटर बंद होते हैं, तो ऐसे में वो जो डेट है वो आगे पोस्टपोन हो जाएगी 28 अप्रैल को। तो गाइस, आपको क्या लगता है भाई, क्या आप RRR मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बॉलीवुड टॉक के साथ।